स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5th, 12th क्लास में है एनसीईआरटी का, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। क्या होता है कॉन्टिन्यूटी, किस तरह से फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, किस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कौन से इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, किसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। देखो, सपोज यू हैव ए ग्राफ, आपके पास एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लीजिए ये ग्राफ है, ये किसी फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ गिवन है आपको, एफ एक्स। ओके, अब ये फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या नहीं है वो आपको, अगर आप ग्राफ जानते हैं तो देख के बता सकते हैं कि सर ये जो ग्राफ बन रहा है वो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। अगर मान लो मैं किसी दूसरे ग्राफ की बात करूं, मान लो मैंने इस तरह से ग्राफ बना दिया और इस तरह से छोड़ दिया, तो आप बोल रहे हैं कि देखो सर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये फंक्शन x इक्वल टू a, तो आप बोलेंगे सर ये फंक्शन x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू a पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। और ये क्या है, ये फंक्शन x इक्वल टू a पे डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो ये तो होगी इसकी ग्राफिकल बात कि ग्राफ देख के आप पता लगा सकते हैं कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूस है, लगातार है या डिसकॉन्टिन्यूस है, टूटा हुआ है। देखो यहाँ पे ये बबल है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, फंक्शन एकदम से ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन सर्किल लगा रखा है, मतलब फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। ओके, तो ये तो ग्राफिकल बात हो गई, लेकिन मैथमेटिकली इसको अपन कैसे चेक करेंगे वो देखिए। मान लो आपको पूछते हैं कि सर एक फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स ए फंक्शन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। सर एक फंक्शन है एफ एक्स जो एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मैथमेटिकली अगर मैं मतलब देखना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि फंक्शन x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूस है कि आप x इक्वल टू a पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। एक चेक करेंगे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, आर एच एल, कि x इक्वल टू a पे फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, x इक्वल टू a पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन x इक्वल टू a पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो क्या लिखा हुआ, ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, इसका मतलब है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का लेफ्ट लिमिट, फंक्शन का राइट लिमिट और फंक्शन का वैल्यू अगर इक्वल है, अगर इक्वल है तो आप बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसको अगर मैं अलग लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है एफ एक्स दिया हुआ है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है आपको एक्स टेंड्स टू ए, और यहां पे लिख दिया माइनस का साइन, इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। एफ एक्स, और यहां पे लिख दिया मैंने एक्स टेंड्स टू ए प्लस,
इसका मतलब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, इक्वल टू एफ ऑफ ए फंक्शन का वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल हैं, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर इन तीनों में से एक भी वैल्यू अनइक्वल है, इनके इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। अच्छा, इसके अलावा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता हूँ कि फंक्शन का लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट, फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और वैल्यू इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किसी भी फंक्शन का लिमिट फाइंड करना आना चाहिए। अगर आप फंक्शन का लिमिट फाइंड कर सकते हैं और फंक्शन का वैल्यू इक्वल करके देखेंगे, अगर दोनों इक्वल आएंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा। देखिए अभी अपन बात करते हैं आगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि सर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है, आप हमें इतना बता दीजिए। डिसकॉन्टिन्यूटी हमें पता चल जाएगी तो कॉन्टिन्यूस अपने आप ही हम समझ जाएंगे। तो देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी मान लीजिए पहला रीजन ये हो सकता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए किसी फंक्शन का आपने लिमिट निकाला और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि किसी फंक्शन का LHL और RHL इक्वल नहीं है, किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसको बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। कई बार क्या होता है कि जैसे अपन वैल्यू निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे और लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाता है इनफाइनाइट। क्या जाता है, इनफाइनाइट, तो इसको भी क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं आर एच एल, वैल्यू आ गया इनफाइनाइट, अपन क्या बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन का लिमिट अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको देखना है कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इस तरह की वैल्यू आ रही है तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी करके बोल दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ रहा है राइट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी आ रहा है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट भी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा उसके बाद में हम फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। और अगर ये तीनों चीज एक साथ सेम हो गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और अगर इनमें से एक भी बात अलग हो गई तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये तो होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूटी की बात। ओके,
इसके बाद में बात करते हैं इंटरवेल में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। देखो देखिए इंटरवेल में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। कई बार कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो यहीं तक डिफाइन होते हैं, मतलब इनका डोमेन यही होता है, इसके आगे नहीं होते, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में मान लो जैसे ये पॉइंट है x इक्वल टू a, इसके बाद में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इंटरवेल दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से a, माइनस इन्फिनिटी से a, उसमें आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर इस केस में हम फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, एल एच एल एफ ए माइनस एच, जिसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, फंक्शन का वैल्यू और फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो गई, तो अपन बोलेंगे कि ये वाला फंक्शन अपने इस इंटरवेल में कॉन्टिन्यूस है। इस तरह के केस में आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन राइट साइड में डिफाइन ही नहीं है। तो वहां पे जब फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी क्या चेक करेंगे। ओके, इसी तरह ये फंक्शन देखिए, ये मान लीजिए x इक्वल टू a पे आप बता रहे हैं कि सर इस पे हम वैल्यू निकाल लेंगे f ऑफ a, x इक्वल टू a पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा f ऑफ a, एंड इसके बाद में हम इसकी राइट साइड से राइट हैंड वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब इसका राइट हैंड लिमिट, जैसे ये a है तो राइट हैंड लिमिट a प्लस h पे, a प्लस h पे हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम हो गया तो अपन बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है a से इनफाइनाइट के अंदर, a से इनफाइनाइट में कॉन्टिन्यूस है। तो जब भी इंटरवेल में आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो ये देखना कि फंक्शन कहाँ तक डिफाइन है और उसी के अकॉर्डिंग अपन कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो अपने तीन बातें करी, पहली x इक्वल टू a पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब x इक्वल टू a पे वैल्यू, फंक्शन का लेफ्ट लिमिट, फंक्शन का राइट लिमिट तीनों इक्वल होंगे तो x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूस होगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम है तो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी हो गया, और ये हो गया राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी। ओके, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। देखो, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो, और फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। सबसे पहले मैं फंक्शन बता देता हूँ क्या है। फंक्शन ये बोल रहा है कि सर जब आप x की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी रखोगे तो आपको ये फंक्शन काम में लेना है, और जब x इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये फंक्शन काम में लेना है। पहली बात तो आपको फंक्शन का पता होना चाहिए कि किस तरह डिफाइन है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप x का वैल्यू जीरो के अलावा कुछ रखोगे तो कहाँ रखना है, इसमें रखना है, x इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे रखना है, मतलब दोनों वैल्यू का कैसे डिफाइन होगी, जीरो पे तो ये, और जीरो के अलावा, जीरो के अलावा मतलब जीरो प्लस एच, जीरो माइनस एच, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू, किसी भी वैल्यू के लिए ऊपर वाला फंक्शन है और x इक्वल टू जीरो के लिए ये नीचे वाला फंक्शन है। एक फंक्शन के दो पार्ट हैं। ओके, तो आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ, एफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है इफ वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ जीरो, फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है,
जीरो माइनस एच का मतलब है जीरो के लेफ्ट में लिमिट क्या है, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। इसका मतलब है जीरो माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसका मतलब है जीरो प्लस एच राइट हैंड लिमिट क्या है। तो ये तीनों वैल्यू में वन बाई वन चेक कर लेता हूं। तो देखिए शुरू करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो रखेंगे एफ जीरो माइनस एच, और एच क्या है एच टेंड्स टू जीरो। आप कहेंगे सर जीरो माइनस एच का मतलब है जीरो से कुछ कम, अब जीरो से कम है जीरो तो नहीं है तो ये तो काम नहीं आएगा, जीरो से कम है तो ये वाला फंक्शन काम आएगा, तो यहां एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे जीरो माइनस एच, तो ये बन गया जीरो माइनस एच मॉड अपॉन जीरो माइनस एच, मतलब ये हो गया माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस एच मोड से बाहर आएगा, लिमिट भी लगा दीजिए एच टेंड्स टू जीरो, तो ऊपर तो हो गया एच नीचे हो गया माइनस एच कट गया, आंसर कितना आ गया माइनस वन। कहने का मतलब अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट पूछे तो वैल्यू कितना आ गया माइनस वन। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट आर एच एल, राइट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे निकालना है जीरो पे, कैसे लिखेंगे एफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का मतलब राइट हैंड लिमिट, और एच क्या है एच हमेशा टेंड्स टू जीरो लेना है, मतलब एच एक बहुत छोटी वैल्यू है जो जीरो के नजदीक है। ओके तो जीरो प्लस एच में कौन सा फंक्शन यूज आएगा, आप कहेंगे यही वाला यूज आएगा जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच रखेंगे तो देखिए ऊपर रखा जीरो प्लस एच एच हो गया और नीचे भी जीरो प्लस एच एच हो गया, तो ये क्या बन गया यहां से कट के वन। आप क्या बोलेंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन है और राइट हैंड लिमिट प्लस वन है, दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, और जब दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहां पे एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। इस तरह से आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो उसकी दोनों लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए बता दूं मैं आपको, जब भी लिमिट लेफ्ट हैंड निकालनी है तो पॉइंट माइनस एच, जो भी पॉइंट है जैसे मान लो ए दिया हुआ तो ए माइनस एच, राइट हैंड निकालना है तो ए प्लस एच, और एच को हमेशा टेंड्स टू जीरो लिखना है। इसके बाद में देखिए एक एग्जांपल और करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर टू। यस एग्जांपल नंबर टू, यहां पे अपन सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो, कहां पे चेक करनी है एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, यहां भी दो पार्ट है फंक्शन के, क्या है मतलब कि अगर आपके पास एक्स का वैल्यू जीरो है तो ये वाला फंक्शन काम में लेना है, और जीरो के अलावा जीरो प्लस एच हो चाहे जीरो माइनस एच, ऊपर वाला फंक्शन यूज आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन फाइंड करते हैं या फिर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, अगर ये तीनों इक्वल है
तो फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है, यही कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू एफ जीरो, तो आप कहेंगे एफ जीरो एक्स का वैल्यू जीरो, तो जीरो पे वैल्यू कितना आ रहा है टू, तो एफ जीरो पे वैल्यू आ गया टू, इक्वेशन नंबर वन। ये तो हो गया फंक्शन का वैल्यू। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का प्रोसीजर क्या था, एफ जीरो माइनस एच, और एच क्या है इसके लिए लिख देंगे एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच। तो देखो जीरो से कम है, तो जीरो से कम है तो ऊपर वाला फंक्शन यूज आएगा, ये वाला फंक्शन। हर एक्स की जगह पे क्या लिखना है, जीरो माइनस एच। तो ये बन जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह जीरो माइनस एच, यहां भी जीरो माइनस एच, यहां भी जीरो माइनस एच, मतलब हर एक्स को क्या लिखेंगे, जीरो माइनस एच। तो बन गया साइन ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच प्लस कॉस जीरो माइनस एच। इस तरह से हर एक्स को क्या लिख दिया, जीरो माइनस एच, और लिमिट क्या है एच टेंस टू जीरो। अब देखिए ध्यान से, यहां पे साइन में से माइनस का साइन बाहर आएगा और ये माइनस दोनों कट जाएंगे, और कटने के बाद में ये दोनों अपन यहां से उड़ा सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा आप लोगों ने इलेवंथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, साइन साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू वन व्हेन लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। ये वैल्यू आपने पढ़ी थी इलेवंथ क्लास में, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा टेंड्स टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है वन। तो देखो यहां से इसका वैल्यू क्या लिख दोगे आप, सर इसका वैल्यू है वन प्लस एच का वैल्यू यहां रखेंगे तो कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, कितना आ गया टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया टू, एल एच एल कितना आ गया टू, फंक्शन का वैल्यू भी टू है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी टू है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर टू, यहां से इक्वेशन नंबर टू हो गया, ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। इसके बाद में निकालेंगे नेक्स्ट आर एच एल, राइट हैंड लिमिट आर एच एल, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो ये बनेगा एफ जीरो प्लस एच, एच क्या है एच टेंड्स टू जीरो है, एच टेंड्स टू जीरो। तो यहां पे आप रखेंगे हर एक्स को रिप्लेस कर देंगे जीरो प्लस एच से, तो ये क्या बन जाएगा यहां पे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच अपॉन एच प्लस कॉस ऑफ एच, जीरो प्लस एच रखेंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट, यहां पे इसका वैल्यू क्या हो गया वन, और यहां जीरो रखेंगे, कॉस जीरो क्या हो गया वन, वन प्लस वन कितना हो गया वन प्लस वन टू। ये है आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। आप क्या बोलेंगे, सर फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री ऑल वैल्यूज आर सेम, तीनों वैल्यू सेम आ रही है, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का लेफ्ट लिमिट, फंक्शन का राइट लिमिट, तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर टू कॉन्टिन्यूटी चेक करने का। ओके, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड के ऊपर। देखो यस सर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ टी, और एफ टी लिखा है कोस टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी, कब, जब टी का वैल्यू पाई बाई टू नहीं हो,
और वैल्यू है 1 जब t का वैल्यू पाई बाई 2 हो। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पे, t इक्वल टू पाई बाई 2 पे। t इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ये आपको बताना है। आप क्या बोलेंगे कि सर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा कब, जब f पाई बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट पाई बाई 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाई 2। तीनों वैल्यू चेक करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप पाई बाई 2 का वैल्यू देखेंगे, f पाई बाई 2। हाँ जी पाई बाई 2 पे कौन सा आएगा, फर्स्ट या सेकंड? तो आप कहेंगे सर पाई बाई 2 के ऊपर सेकंड फंक्शन यूज आएगा, f पाई बाई 2 का वन इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके बाद में बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड कहाँ पे, t इक्वल टू पाई बाई 2 पे। क्या लिखेंगे, f पाई बाई 2 माइनस h, h क्या है, h टेंड्स टू 0, h एक बहुत छोटा वैल्यू है जिसको अपन t में से कम कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से वैल्यू चेक कर रहे हैं लिमिट का। तो क्या करेंगे, हर t को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 2 माइनस h। तो यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस h और यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस h। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बन गया cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस h। और लिमिट क्या लिखने हैं, लिमिट है h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू हमेशा 0 की तरफ लाइक कर रहा है। अब देखो यहां से ये क्या बन गया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, क्या होता है sin थीटा, क्वाड्रेंट है फर्स्ट इसलिए पॉजिटिव में। यहां देखो यहां पे आप कहेंगे सर पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कट गया, क्या बन गया प्लस का h, क्या बच गया प्लस का h, और लिमिट क्या है h टेंड्स टू 0। बताइए अभी चर्चा करी थी पिछले क्वेश्चन में साइन थीटा बोन थीटा जब लिमिट 0 की तरफ टेंड्स कर रही है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ गया 1। फंक्शन का वैल्यू 1 था, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो आर एच एल राइट हैंड लिमिट, देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो क्या लिखा जाएगा, एफ पाई बाई 2 प्लस एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट कहाँ लाइक कर रही है 0 की तरफ। हर टी को पाई बाई 2 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो ये बन गया आपका cos of पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस, क्या रखेंगे t की जगह पाई बाई 2 प्लस एच रखेंगे, पाई बाई 2 प्लस एच। तो देखो यहां से क्या बन गया, पाई बाई 2 प्लस एच रखते ही और लिमिट लिख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बन गया आपका यस cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है sin थीटा, तो sin ऑफ h, क्वाड्रेंट है सेकंड और सेकंड में cos होता है नेगेटिव, तो माइनस sin ऑफ h डिवाइड बाई, देखो यहां पे पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, नीचे कितना आ गया माइनस ऑफ h, माइनस ऑफ h, और लिमिट कितनी है h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू कितना आ गया यहां पे 1। क्या मिला, फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, तीनों के तीनों इक्वल है। इसका मतलब ft इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। तो ये अपन ने तीन एग्जाम्पल किए, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्टिन्यूटी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है और कब नहीं होता। ये अगली क्लास में
वो क्वेश्चन करेंगे जहां पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन होगा बट किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।